हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं मसाला भरवाने के लिए आई हूँ डाट वाले की दुकान पर। हाँ तो दोस्तों, मैं आए हैं डेंटिस्ट के उस पर दुकान पर मम्मी की दाढ़ ठीक करवाने के लिए। मसाला भरवाना है मुझे डाट में। तो फ्रेंड्स, आ गए हम डॉक्टर साहब की दुकान में और देख सकते हैं डॉक्टर साहब खड़े हैं हमारे, और यहाँ पर मशीन भी देख सकते हैं। चल 300 वाले भर दो आप। है ठीक लगे और वैसे चीज चीज मेरे है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत। हाल ही में गौर करके मसाला भरवाने वाली बात है, देख लिए। तो फ्रेंड्स, ये पहली बार दुकान पर मैं आई हूँ डेंटिस्ट के यहाँ, और ये मेरी ससुराल की तरफ है, और यहाँ पर हमारे स्टेशन पड़ता है, उसके आगे जाना पड़ता है, और यहाँ पर है हरिचंद का बाग, जस्ट उसके सामने ही ये दुकान है। और मैं एरिया भी थोड़ा सा सीन ले दूँगी, तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के द्वारा। और यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले मेरा एक्सरे किया, ताकि आपको पता चल सके आपकी दाढ़ में मसाला भर सकता है या नहीं। तो उन्होंने बोल दिया है कि मसाला आप भरवा सकते हो और उपड़वा भी सकते हो, तो मैंने यहाँ पर मसाला भरवाना जरूरी समझा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ, और ये डॉक्टर साहब का बात करने का नज़रिया भी बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस दुकान का नाम है शर्मा डेंटल क्लिनिक, और यहाँ पर साइड देख सकते हैं, सड़क पार कर आना पड़ता है, और सामने है हरिचंद का बाग। तो सामने ही आप देख सकते हैं बोर्ड, और आ सकते हैं आसानी से आप भी। तो फ्रेंड्स, आ गए अपने घर और मास्क लगा कर गए थे। बेशक मना कर दिया मास्क लगाने के लिए, लेकिन फिर भी लगा कर जाना चाहिए। तो मैं आ गई घर पर, और 2 घंटा मुझे कुछ खाना नहीं है। मैंने दाढ़ में मसाला भरवाया है, मेरी दाढ़ में मसाला निकल गया था 1 महीने पहले ही, और कुछ जो है खाना पीना भर जाता था मेरी दाढ़ में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मसाला भरवा दिया है। 500 रुपये लिए थे, 100 रुपये लिए थे एक्स्ट्रा के, 100 रुपये अपनी फीस ली थी देखने की, और जो है 300 रुपये का मैंने मसाला भरवाया। चलिए फ्रेंड्स, 2 घंटे मुझे कुछ खाना नहीं है, उसके बाद खाऊंगी, और मिलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दाढ़ का मसाला भरवा कर आ गई हूँ, और शाम के बजे हैं 5, तो यहाँ पर हम जो कुछ तैयारी कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। और देख सकते हैं यहाँ पर हम एलोवेरा छील रहे हैं, और मैंने विवेक दे दिया है, ये 1 किलो एलोवेरा है जो तनिषा के पापा लाए हैं, और मैं बनाऊंगी लड्डू। तो यहाँ पर ये एलोवेरा के छिलके निकाल कर अलग कर देगा, और अंदर का गूदा कटोरे में रख देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विवेक तैयारी कर रहा है मेरे लड्डू बनवाने की, और ये कमर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, किसी ने बताए थे इनको। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आराम होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उसके लिए अच्छी बात है अगर हमें आराम हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं लड्डू बनाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स, विवेक जो है एलोवेरा जेल निकाल रहा है, और चप्पू से छील कर कटोरे में कर रहा है, और मैं बनाऊंगी लड्डू। तो कमर के लिए होते हैं वाले लड्डू, तनिषा पापा ने बताए थे मुझे ये आइडिया। तो चल, तो फ्रेंड्स, मेरे बैग में भी दर्द रहता है, और तनिषा के पापा के में भी। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी लड्डू कमर के लिए, और फ्रेंड्स अगर अच्छे लगे होंगे और लड्डू का असर होगा और कमर में आराम मिलेगा, तो आप भी बना सकते हैं इस तरह के लड्डू। मैं वीडियो डाल दूंगी, आप जरूर मैं वीडियो डाल दूंगी फ्रेंड्स, आप देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेंगे हम 1 किलो चने, और एलोवेरा आपने देख ही लिया है, 1 किलो एलोवेरा है, उसमें से आप आधे भी डाल सकते हैं एलोवेरा। और यहाँ पर मिक्सी में हम चने को पीस लेंगे, यानी चने का आटा बनाएंगे। इधर हमारा एलोवेरा भी अच्छे से कट कर रख दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिक्सी में पीस लेते हैं अपने जो है भुने हुए चनों को, और आटा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चने का चून अच्छे से पिस गया है, और इसे हम चन्नी में छान लेंगे, उसके बाद ही हम लड्डू बनाएंगे। और आप चन्नी में ज़रूर छाने, नहीं तो जो चने हैं ना वो बारीक बारीक रह जाएंगे। सामान लाए हैं जो मैं वो आपको बता दूं, एलोवेरा जेल है 1 किलो के करीब, जो डंडिया लाए हैं, और कच्ची खांड है 1 किलो, और 1 किलो है चने, और उसका बना लिया है मैंने चने का चून। और उसके बाद जो है आपको दिखाएंगे लड्डू बनाकर कैसे बने हैं, और अगर मेरे कमर में आराम होगा तो आप भी बना सकते हैं इस तरह के लड्डू। और बाद में जब मैं खा लूंगी, उसके बाद
आपको जो वीडियो में किसी दिन फिर दिखाऊंगी कि मेरे मतलब कमर में आराम है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर लड्डू बनाने तैयार करूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमने घर पर बनाया है ढोकला, और पहले मैंने वीडियो में दिखाया था आपको और फिर से दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैं जब वॉइस मैसेज दे रही हूँ तो मेरी उंगली भी काली हो रही है क्योंकि मैंने रोटी बनाई थी तो तवे की में कालस जो होती है वो मेरे हाथ में लग गई। और फ्रेंड्स देखिए एकदम जूसी जूसी हमारे यम्मी यम्मी ढोकला, और घर पर ही बनाए हैं हमने ढोकला, बहुत ही फेवरेट लगे, बहुत ही टेस्टी लगे, और आप भी बना सकते हैं घर पर ये यम्मी टेस्टी ढोकला। इसमें एक पाव घी डालना है, तो फ्रेंड्स हम बनाएंगे लड्डू। तो यहाँ पर मैंने एक पाव घी ले लिया है और ये दूसरी वाली कढ़ाई ले ली है एलोवेरा जेल को यहाँ पर हल्का सा गर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये है कच्ची खांड जो कमर के लिए बहुत अच्छी होती है, तो थोड़ी डाली कमर दर्द के लिए, वैसे तो बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स ये कच्ची खांड ली है हमने 1 किलो, और यहाँ पर 1 किलो बेसन है, बेसन भुने चने, हाँ भुने चने का बेसन जो मैंने मिक्सी में पीस कर आपको दिखाया था, फिर शांत ने पीसा था। तो चलिए यह कच्ची खांड और जो है भुना हुआ बेसन का आटा इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम इन्हें मिक्स कर लेंगे, और जो है चीनी जो कच्ची खांड है उसे स्वाद अनुसार डालें क्योंकि हमारे 1 किलो बेसन 1 किलो कच्ची खांड है। तो फ्रेंड्स पहली बार बनाएंगे कमर दर्द के लिए ये लड्डू, और किसी ने बताए हैं बड़े बूढ़े ने, उन्होंने इस्तेमाल करे हैं तो उनको तो आराम हो गया, हम भी देखते हैं इस्तेमाल करके। और फ्रेंड्स अगर हमें आराम हो जाएगा तो हम आपको भी बता देंगे। चलिए तो मिल गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने घी गर्म कर लिया है, फ्रेंड्स इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स एक कटोरा एलोवेरा जेल है 1 किलो के करीब है ये, और इसे हम हल्का सा खदका लेंगे क्योंकि कच्चा डालेंगे तो ज्यादा दिन नहीं लड्डू चल पाएंगे, इसलिए हम हल्का सा खदका कर उसके बाद डालेंगे ताकि हमारे लड्डू सेफ रहे और हम आसानी से कुछ दिन तक उनको खा सकें, और सेफ रहेंगे लड्डू जब आप ध्यान से बनाएंगे उनको। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं ये एलोवेरा जेल के लड्डू हैं, इन्हें फ्रिज में रखें बनाकर उसके बाद ही इन्हें खाएं, बाहर ना रखें नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। मैं हल्का सा खदका आने लगा है, उबाल, तो इस पे हल्का सा उबाल आने लगा है, देख सकते हैं यहाँ पर। और लड्डू ऐसे इतने दिन होने चाहिए 10-15 दिन चल जाने चाहिए, इसलिए हमने अपने एलोवेरा जेल को खदका लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि एलोवेरा जेल हमारा हो गया है, यानी उबल गया है एलोवेरा जेल। तो फ्रेंड्स ये हमारा एलोवेरा जेल, और ध्यान से अपनी कढ़ाई को उतारे। तो चलिए यहाँ पर देते हैं आटा। तो एलोवेरा जेल को पहले ठंडा कर लेंगे उसके बाद डालेंगे, ठीक है ना। जब भी आप लड्डू बनाएं तो अपने किसी भी चीज को पात हो या कोई भी चीज हो उसे ठंडा कर लें उसके बाद डालें। तो चलिए फ्रेंड्स इसे ठंडा होने दीजिए फिर डालें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैच चल रहा है और बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं, और 11 बज जाते हैं रात के। तो यहाँ पर एलोवेरा जेल को ठंडा कर लेंगे, और पंखे की हवा में लेकर बैठी हुए, और यहाँ पर थोड़ी सी हमने एक कटोरी जो है खांड और डाल ली है, तो देख सकते हैं खांड का कलर इस तरह का है जैसे चीनी हो, लेकिन ये थोड़ी सी अलग होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूंगी घी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एलोवेरा जेल डाल रहे हैं क्योंकि देखकर डालेंगे ताकि हमारा जो घोल है वो पतला ना हो जाए, और यहाँ पर लड्डू बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल बचा कर रख लिया है, और ध्यान से बनाएंगे लड्डू। फ्रेंड्स देखिए हमारे लड्डू का पेस्ट बन गया है,
तो यहाँ पर एलोवेरा जेल, घी, कच्ची खांड और चने का जो है चून हमने मिक्सी में जो पीसा था उससे हमारे ये वाले लड्डू तैयार हो गए इस तरह। और ये थोड़े से पतले बने हैं, आप चाहे तो चीनी और कच्ची खांड और डालकर और इसमें चने का आटा और डालकर इसे थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पतला हो गया है क्योंकि मैंने जो एलोवेरा जेल डाला है और घी डाला है उससे ये थोड़ी मात्रा में बनाया है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा बना दोगे और नहीं खाए जाएंगे तो वेस्ट हो जाएंगे आपके लड्डू, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़े लड्डू बनाए हैं और जिसकी वजह से एलोवेरा जेल जो हमने डाला था वो और घी उसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़े से हल्के से पतले हो गए लेकिन चल जाएंगे इस तरह। देखिए ये हमारे इस तरह के लड्डू बनेंगे, आप आसानी से खा सकते हैं जिस तरह चॉकलेट खाते हैं। तो देखिए इस शेप में आ गए हैं और इस तरह कर देंगे हम अपने लड्डू, और खाने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं क्योंकि अभी मैंने चेक किए हैं। देखिए तो इसी तरह मैं सारे लड्डू बना लूँगी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें लड्डू को फ्रिज में रखना ना भूलें, फ्रिज में रखेंगे तो ही सेफ रहेंगे आपके लड्डू। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे इस तरह के ये लड्डू बनकर तैयार हो गए, इसी तरह मैं बना लूँगी सारे लड्डू, इसी तरह सारे लड्डू बना दूँगी इस तरह और रख दूँगी एक डिब्बे में भरकर ताकि हम दूध के साथ खा सकें। तो फ्रेंड्स देखिए बनाने के बाद तो ये लड्डू ऐसे हैं बिल्कुल चॉकलेट जैसे, और आप इन्हें फ्रिज में रख देंगे तो ये थोड़े टाइट हो जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम इन्हें फ्रिज में रख देते हैं और यहाँ पर हमने फ्रिज में से निकाले हैं एक दिन बाद, तो देख सकते हैं लड्डू हमारे एकदम टाइट हो गए हैं और बिल्कुल खाने में लगेंगे बढ़िया। तो चलिए फ्रेंड्स लड्डू मैंने बना दिए हैं, आप भी ट्राई करें कमर के दर्द के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बाहर का व्यू इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पर एक छोटी सी तितली डोल रही है बहुत देर से, जिसकी वीडियो मैंने बना ली है। और देख सकते हैं यहाँ पर जब पेड़ पौधे होते हैं तो तितली, चिड़िया, कबूतर और यहाँ पर सब आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक करकेटा भी बैठा है साइड में, तो देख सकते हैं उसकी वीडियो मैंने ले ली है। दो करकेटा है यहाँ पर जिसे मैंने पहले कई करकेटा तो प्रशांत के मतलब विवेक और प्रशांत छोड़कर आ चुके हैं और फिर आ गए हैं दो करकेटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तितली घूम रही है बार बार और यहाँ पर हरी भरी बागवानी देख सकते हैं हमारे, यहाँ पर तितली डोल रही है कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और देख सकते हैं यहाँ पर छोटी सी चिड़िया भी आ गई है। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय।